अगर नहीं देंगे तो कमांडो देना होगा, नहीं तो उसको चूड़ी पहना कर हम रजगदी पर से उतार देंगे। तो बहुत परेशानी है कि 1000 के मानदे है, 1000 से काम नहीं चलता है। हम लोग को 21000 चाहिए, दिने दोपहरी है रात टीकाकरण कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सारी सेवा हम लोग लागे हैं। हम लोग के आँखें आंसू दूर हो जाए, हम नहीं चाहते उतना से बाल बच्चों को खुश नहीं रख रहे हैं, न पढ़ा लिखा रहे न घर चल रहा है। अच्छे अच्छे घर की बहू बेटी थे, उनको तो मोदी रोड पर ले आए। हम लोग को वेतन देंगे तो फिर को जिताएंगे, और नहीं तो उसको हराएगा तो हराएंगे। एक ही जवाब है मैडम कि हम लोग को कमीशन नहीं दिया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्या सम्मान दे रही है मैडम, क्या सम्मान दे रही है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें से कुछ महिलाएं आंगनबाड़ी में काम करती हैं और कुछ आशा बहू हैं। और अभी मेरे साथ जो मौजूद है ये सारे बिहार के लोग हैं, बिहार की महिलाएं हैं, और हम लोग इनसे बात करेंगे कि इनकी आखिर क्या परेशानी और क्या मांग है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए। क्या क्या मांग है आपकी, क्या मांग? पैसा बढ़ाने के लिए मांग। हाँ, क्या मांग? हाँ, मांग रहे हैं हम लोग दिन रात। हम आशा बरकत हैं, बिहार से हम लोग आए हैं, आरा जिला से। हम लोग बहुत परेशानी है कि 1000 के मानदे है, 1000 से काम नहीं चलता है। हम लोग को 21000 चाहिए, दिने दोपहरी है रात टीकाकरण कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सारी सेवा हम लोग लागे हैं। हम लोग पोलियो की बहुत परेशानी हम लोग का हो रहा है काम करने में, वर्षा नहीं हम लोग समझते हैं, हम लोग रात नहीं समझते हैं, 12 बजता है, कोई भी बजे रात होता है तो कोई दरवाजा पर आकर खटखटाने लगता है कि चलिए प्रसव कराने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं प्रसव कराने के लिए। अब पेपर भी मोदी या नीतीश जी को कोई लज्जा नहीं लग रहा कि हाँ आशा लोग का कितना हम खटा रहे हैं, कर रहे हैं। मैं गया जिला से, प्रखंड बेला से, मेरा नाम फूल कुमारी है, मैं भी आशा वर्कर ही हूँ। और हम लोग को एक ही, हर नारी का एक ही जवाब है मैडम कि हम लोग को कमीशन नहीं दिया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग इतना आशा वर्कर जो है, जो इतना कोरोना में हर कर्मचारी अपने अपने घर में रह गए, मगर एक स्वास्थ्य कर्मचारी ही है था कि कोरोना का जंग लड़ते लड़ते कोरोना को हार मानना पड़ा। इसलिए हम लोग भी एक नारी नहीं चिंगारी है, और मोदी को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कमीशन नहीं वेतन दो। 30 दिन का हम लोग को वेतन राशि देना होगा। और नहीं देखिए, ये लोग बोल रही है कि हम नारी नहीं चिंगारी है, और हम लोग एक भारत का नारी है, हम लोग 21000 वेतन चाहिए, और कमीशन नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकार तो अच्छा चाहिए, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर, नारी को सम्मान दे रही है। क्या सम्मान दे रही है मैडम, क्या सम्मान दे रही है? जो बचने का, हम लोग घर में जो बहू बेटी, अच्छे अच्छे घर की बहू बेटी थे, उनको तो मोदी रोड पर ले आए। रोड कैसे 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 लोभ देकर, लोभ देकर कि खाना परिवार के बनाते ना, रोड पर निकाल दिया। निकाल कर हम लोग का दर्जा नहीं, हॉस्पिटल में बैठने का इज्जत नहीं है, बैठने का व्यवस्था भी नहीं है। आप क्या बोल रही थी, आप क्या बोल रही थी? हम रोड पर निकाल दिए, और फिर जी जब हम लोग काम का बदले दाम मांगना शुरू करे तो नीतीश जी भी बहरा हो गया। मोदी जी जब से आए वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतीश जी के हाथ में थोड़ी है ये, तो मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी वहाँ पर भी हम लोग के, मोदी जी तो एकदम सुन, अगर चाहते नारी का सम्मान करते मैडम, नारी का सम्मान अगर करते तो वो तुरंत वेतन कर देते। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को इज्जत दे रहे, बेटी बचा रहे, बेटी को पढ़ा रहे। कैसे मैडम, कौन बेटी को बचा रहा है और कौन बेटी को सम्मान दे रहा है? यह आशा वर्कर रात दिन जन्म बेटी को जन्म दे रही है, मगर उनका खाना आहार तो दे ही नहीं रहे। कैसा समय, अपन बाल बच्चे का
अधिकार नहीं है रोटी देने का, और सारी सेवा हम लोग क्षेत्र में करते हैं। कितना वेतन है आप लोग? 1000 है। 1000 से क्या होगा? हम 1000 में महीना महीना 1000 है, और कमीशन है, और कमीशन है। कमीशन नहीं चाहिए हम लोग, वेतन चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों में गुस्सा है। इन लोग को आप लोग सोचिए कि इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में इन लोगों को मात्र 1000 का महीना, 1000 महीना मिल रहा है। आप लोग कैसे घर चलाते हैं? मजदूरी कर करके दीदी, मजदूरी करके, खेती करके हम लोग बच्चा लोग किसी तरह पाल रहे हैं। हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। तो हम लोग पूर नहीं पड़ रहा है, हम लोग सब में नहीं पड़ते, घर नहीं चलता है दीदी, नहीं पर चलता है। मोदी जी को ये मीडिया के माध्यम से बता दीजिए मैडम कि चाहे रसोईया हो उन्हें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, चाहे ममता हो चाहे उन्हें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, चाहे वो आशा हो, क्योंकि नारी एक सब हम लोग हो गए हैं। और जब चिंगारी की तरह हम लोग अति हो जाएंगे तो उनको कुर्सी क्या, घर भी छोड़ने पर मजबूर। हाँ, हम लोग नीचे बैठा देंगे घर में चूरी पहना कर। 21,000 मोदी जी हम लोग नहीं देंगे। 1000 से हम लोग परस्ती नहीं चल रहा है। बाल बच्चा भूखे ढनक रहा है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, अगर नहीं देंगे, नहीं देंगे तो मांगा देना होगा, नहीं तो उसको चूड़ी पहना कर हम लोग रजगादी पर से उतार देंगे। चूड़ी पहना के आप उतार देंगे? हाँ, हम लोग उतार देंगे। क्या हम लोग नहीं बचा दी जी? जब तक रहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। जनता उनसे प्यार करती है? नहीं प्यार करती है मैडम, ऐसे कैसे होता? अगर प्यार करती तो इतना महिला होकर के यहाँ पर इस कड़ी धूप में आकर के अपना हक मांगते? कुछ करता नहीं, नहीं कुछ कर रहा है। हम काम करते हैं, बच्चा लोग काम का सेवन दुर्गो या नहीं चल रहा है। 100 वर्ष का मोदी है, 100 वर्ष का मोदी है, और 60 वर्ष वाला सब सबका काम से छोड़ा देता है, रिटायर कर देता है। तो क्या मोदी जी का छप्पा? मुख्यमंत्री नहीं देंगे 21,000 रुपए हम लोग का। कुर्सी पहले उतार कर घर में बैठा कर और चूड़िया पहना देंगे। नया सरकार हम लोग बनाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। 21,000 नहीं मिलेगा तो गद्दी पर उतार कर घर में बैठा कर चूड़ी पहना देंगे, नया सरकार बनाएंगे। सब गरीब आदमी के उसका ध्यान देना चाहिए कि हमारे इस सब जनता के ऊपर हम गद्दी पर बैठे हैं। इतना भूखे मर रहा है, सब छटपटा रहा है। बाल बच्चे हम लोग गांव में सेवा करते हैं, क्षेत्र में सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में प्रसव करवाते हैं, टीकाकरण द्वारा दिलाते हैं। हम लोग के बाल बच्चा के रोटी दू गो रोटी खाती तरस रहा है। बताइए, हम लोग बिहार से आए हैं, वहाँ नहीं सुनवाई हुआ तब ना, तो वही सुन जाते। मोदी सरकार सुनेगी? देखिए मैडम, उन्हें तो सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग 2006 से लड़ाई जारी किए हुए हैं। उन्हें मजबूर कर देंगे। क्या ये सोचे हम लोग बिहार से आ रहे थे, ये तो रेल को कैंसिल करवा दिए, मगर फिर भी महिला में इतना शक्ति, इतना जज्बा है कि यहाँ रेल को कैंसिल करवा दिए। आप ये पता लगा सकते हैं उनको मैडम के? आज हम लोग 3 दिन के बाद हम लोग आज पहुँचे, आज दिखा दिए कि नारी में कितना शक्ति होता है। 2024 में आप वोट की चोट देंगी? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? हम लोग के तो अगर वेतन कर दिए तब उनका कुर्सी सलामत रहेगा। नारी को मान सम्मान, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये शब्द का अगर वो प्रयोग सही ढंग से कर दिए तब उनका कुर्सी सलामत रहेगा। और नहीं तो अगर नारी का मान सम्मान नहीं करेंगे, रसोईया ममता और कोरियर और ऐसा वर्कर का अगर नहीं कहती सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तो कुर्सी उनको छोड़ देना होगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम अगले 2024 में भी जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा उनका मन में है भावना मैडम, मन में भावना बना हुआ है। 21,000 का वेतन नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कब नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री मन से नहीं बनता है, जनता के वोट से बनता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं बिहार से कुरियर आया हूं, जो आशा बहने कुरियर और ममता सारी लोग हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं,
स्वास्थ्य जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो टीकाकरण का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्यक्रम हो, या जो भी यहाँ से कार्यक्रम चलाया जाता है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आशा, ममता और कुरियर, हम कुरियर हैं। जो जहानाबाद जिला का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पीएससी से दवा लेकर के, वैक्सीन लेकर के आंगनवाड़ी क्षेत्र में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी तय करके, तो कमीशन भी तो आप लोगों को मिलता है। कमीशन से काम नहीं ना चलेगा। 1000 कमीशन आशा को मिलता है, एक बक्सा पर 90 रुपया कुरियर को मिलता है। क्या 90 रुपया में हम लोग अगर साइकिल का पंचर हो गया तो 2 पंचर में 90 रुपया गोल, उसमें भी हम लोग का पीएससी के जो प्रभारी और मैनेजर है वो तुरंत पैसा नहीं देता है, सालों साल ताल मटोल करता है। आप लोगों को क्या क्या चाहिए? राम मंदिर चाहिए, 80 करोड़ जनता को जो है राशन दे रही है, राम मंदिर बनवा रही है, और क्या क्या चाहिए? राशन ताशन से हम लोगों को पेट नहीं भरेगा। राशन भी वैसे लोगों को मिल रहा है जो गरीब नहीं है, जो राजा है, जो जिसके पास खेत है, जो पूंजीपति है, उसी को राशन भी मिल रहा है। कैसे राशन उसको मिल रहा है? क्योंकि वह राशन बनाने वाला को पैसा दे करके अपना नाम दिलवा लेता है। गरीब को राशन नहीं मिलता है। फुलवारी शरीफ के 2010 से कर रहे हैं, बहाली किया, आज लेको हमको लोग के स्थाई किया, नहीं हम लोग का वेतन दिया 300 रुपया पर 8 घंटा 3 बजे से ड्यूटी करते हैं। पानी बरसे या चाहे जारा रहे चाहे बरसात रहे, बाकी आज ले हम लोग के वेतन मोदी नहीं बनाया, हम लोग का टहला टहला के रखा हुआ है। इस जनता के नहीं करेगा तो कैसे उनको अथी पर बैठाया जाएगा? बताइए, राज पर कैसे उनको बैठाया जाए? महिलाओं का तो सम्मान करती है नहीं मोदी सरकार, नहीं कुछ कुछ नहीं करते हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? आपको लगता है कि मोदी जी सुनेंगे? नहीं करेंगे उनको। हम लोग को यही है कि अगर काम के बदला दाम दे दिए तो उनका काम के बदले हमको दाम दे दिए, तब उनकी सरकार से सलामत और वोट देंगे। और नहीं तो मन का दाता, जिनको हम लोग का मन वोट देने का मन होगा उन्हीं को देंगे। कितनी महिलाएं बिहार से आई हैं? बिहार 10,000 से आशा हम लोग आए हैं। आशा 10,000 आए, अगर हम चाहेंगे तो हॉस्पिटल में सारी हॉस्पिटल ताला मार देंगे, तो उसको हॉस्पिटल सारी बंद हो जाएगा। तो ये हमारे साथ कौन है आप? आंगनबाड़ी? मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, बिहार से आई हूँ, ठीक ना। हम लोग के मानदेय बहुत कम है, 5,000 में कहाँ से? औरंगाबाद जिला मैं, हम लोग 2 कष्ट से वहाँ से आई हूँ ना, तो हम लोग के मानदेय बहुत कम है। उतना में बच्चा को ना 5,500 6,000 पूरी नहीं है। हम आंगनबाड़ी का 5,500 कुछ भी नहीं है उन लोग का। हम लोग के कम से कम, यहाँ जब दूर से आए हैं तो कम से कम हम लोग को 10,000 भी मोदी सरकार कर दे तो हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग के यहाँ के आंसू दूर हो जाए। हम नहीं चाहते उतना से बाल बच्चा को खुश नहीं रख रहे हैं, ना पढ़ा लिखा रहे, ना घर चल रहा है। मार्केट 2024 में मोदी जी को जिताइए, फिर आप लोग की मांग देवी है। मैं गया जिला से आई हूँ, मैं बेला प्रखंड के रहने वाली हूँ, मैं एक आशा वर्कर हूँ। हमको जब मोदी जी हम लोग को वेतन देंगे तो फिर को जिताएंगे, और नहीं तो उसको हराएगा तो हराएंगे। हमारा 2024 में जिताइए आप लोग की सारी मांगे। कैसे मैडम, कैसे इस बात को विश्वास किया जाता है कि मोदी जी हम लोग को? क्योंकि मोदी जी जो जो बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। हर पीएससी में बेड पर उत्तर होता था, आसन अस्पताल चमकाया, आसन मतलब मृत्यु दर कम करवाई, आसन बच्चों को मृत्यु दर कम करवाया, टीवी भगाया, या कुछ रोग के भगाया, भगा दिए हम लोग। पोलियो जैसा बीमारी खतरनाक मैडम, कितना है जो हो जाता है वो कभी मैं नहीं सोच। उस पोलियो को हम
टीवी को करी धूप और पानी में हम लोग ये नहीं समझे कि हाँ पानी बना दूं, और हम लोग भगाई कुर्सी पर मोदी जी हम लोग को बहुबल से बैठे हुए हैं। हाँ इनको अगर ये 2024 में नहीं जिताएंगे, नहीं हाँ अगर वेतन दे दिए तो ये तो कुर्सी पर का या गद्दा पर बैठ जाएंगे, मगर अगर वेतन नहीं दिए तो इनको तो घर से भी निकलना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी महिलाएं जो है, वैसे तो यहाँ पे सारी महिलाएं देश के कोने कोने से है, लेकिन अभी जिनसे हम लोग बात कर रहे थे ये बिहार की महिलाएं हैं, और इन लोग को जो है आशा बहू को 1000 का महीना और जो आंगनबाड़ी में उसको 5000 रुपया जो है मानदेय दिया जा रहा है। तो ये लोग बोल रही है कि मोदी सरकार अगर इन लोगों को सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं माना और इन लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया तो ये लोग 2024 उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। आप लोगों की इस पूरी खबर पर क्या राय है?